और इसके बाद जब 2024 के चुनाव में ये जाएगी, 2024 के लिए विपक्ष की तरफ से यही नैरेटिव आगे बढ़ाया जाएगा ना कि साहब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत बीजेपी को नहीं है यकीन, इसी वजह से बीजेपी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही देखिए उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर देती है, कह रही है हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं अपने उम्मीदवारों को तैयारी के लिए, कह रही है हम बारीकी से प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पार्टी को ही जीत का पूरा भरोसा नहीं है। क्या ये नैरेटिव अब विपक्ष आगे नहीं बढ़ाएगा? माधव जी देखिए विपक्ष क्या बढ़ावे, विपक्ष का काम है, विपक्ष की न नीति सही है न नियति सही है, और राजीव जी को तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है, शिक्षक से बोरा बेचवाते हैं, बिहार को बर्बाद करने का काम किया है, देश के बारे में क्या बोलेंगे, चलिए नहीं बहरहाल आप बात कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री आप अपना काम कीजिए माधव आनंद जी, मैं बार बार आपके अनावश्यक टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। माधव जी वैसे बात सही है, आपने पहले भी इस तरीके से अटैक किया सर, थोड़ा संयम के साथ ना, और जिस बड़ी डिस्कशन के लिए बड़े मुद्दे के लिए आपको बुलाया गया चर्चा के लिए प्लीज उसी पर जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा सर। मैं बिहार के अंदर चर्चा कर नहीं रही हूँ सर, प्लीज हम सबको आइए, अभी बिहार से आता है, मैं भी बिहार से आता हूँ सर 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 माधव जी मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे और इस तरीके से सर नीचे टिप्पणियों में उलझेंगे तो प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जवाब देना रुमाना जी, एनडीए के लिए सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं है, और आज भी वही हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं, विपक्ष के पास कोई नेता नहीं, हमारे पास एक नेता है नरेंद्र मोदी जी, या सर्वमान्य रूप से हम लोगों ने एक्सेप्ट किया कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, और तीसरी बार पुनः भारतवर्ष की जनता उनको जैसे आशीर्वाद देगी और प्रधानमंत्री बनेंगे। अब जहां तक कहा कि नहीं पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया, इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर भरोसा नहीं है, बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलती है बैक फुट पे नहीं खेलती है, ये इंडिया वाले जो घमंडिया लोग हैं ये लोग बैक फुट पे खेलने के लिए जाते हैं, बीजेपी ने फ्रंट फुट पे खेलने का काम किया है, है। ताकत तो तुम उम्मीदवार खड़ा कर दो, बस सीधी सी बात है। ठीक है, मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख कर रही हूँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मायने रखेगा या नहीं रखेगा कि रणनीति पार्टी की तरफ से क्या बनाई गई है 23 के चुनाव को लेकर, या सब कुछ 24 के लिहाज से नतीजों पर निर्भर करेगा, 23 में नतीजे क्या रहते हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के? हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं, निश्चित तौर पर सेंटीमेंट तो असर करता ही है, हालांकि इन तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 2018 में हार गई थी और उसके बाद 2019 में बहुत अच्छे से जीत गई, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सेंटीमेंट खराब ना हो इसकी कोशिश करनी है, कांग्रेस के लिए चुनाव भी जीतना है और उसके बाद उस सेंटीमेंट को कैसे लोकसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ाएं, ये भी दोहरा दबाव। अभय जी देखिए गेंद पूरी तरीके से कांग्रेस के पाले में है। अच्छा, हाँ, ये जो राज्य हैं यहाँ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है और कोई पार्टी तो है नहीं बीच में, हाँ। जो गैर भाजपा गठबंधन इंडिया है उसकी और कोई पार्टी तो यहाँ पे है नहीं, तो कांग्रेस को इन तमाम राज्यों के अंदर कर्नाटक जैसी जीत दर्ज करनी अनिवार्य है, छोटी मोटी जीत से भी काम नहीं चलेगा, अगर ये लोकसभा में अपने मोमेंटम को ले जाना चाहते हैं तो इन्हें तीन राज्यों में राजस्थान में छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश को जीतना होगा, तेलंगाना में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, अगर कांग्रेस किसी एक राज्य में भी चूकती है तो इससे कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिहाज से नुकसान होगा, ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल अनिवार्य है एकदम। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए, तो कुल मिलाकर 23 का चुनाव है लेकिन नजर 24 पर है और 24 का सियासी घमासान, इसीलिए बीजेपी इस वक्त फ्रंट फुट पर तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।